भैया, हेलो भैया, आपकी पॉलिथिन में से इन मैडम ने पैसे निकाल लिए, पॉलिथिन को काट के ब्लेड से। अरे क्या दिमाग खराब है, मैं छोड़ देती हूँ तुझे। हाँ मैडम जी, इसमें से पैसे गायब है, अगर मैडम जी आपने लिए हो तो मुझे वापस कर दीजिए। तो मैं क्या करूँ, पैसे गायब है तो मैंने थोड़ी ना लिए, तो क्या मतलब आपने लिए हो तो। दादा ना औकात मत भूल अपनी, मतलब 2 मिनट लगेंगे याद दिलाने में कि तू क्या है। हालत देख एक बार, वो टीचर गरीब, मुझे नहीं लगता तेरे पास चिल्लर भी होंगे। यहाँ पे बैंक की लाइन में आके खड़ा हो गया, उसके बाद में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अरे मैडम जी, मेरे पीछे आप ही लगे थे, अगर मैडम जी आपने लिए हो तो मुझे पैसे वापस कर दीजिए। मेरी बहन की शादी है, 2-4 दिनों में और पैसे भी, मैंने जो पैसे उधार लिए थे मैडम जी, मैं बैंक में जमा ही करने आया था। ये पागल पागल है क्या, कल ही पड़े जा रहा है, ना लेना एक ना देना दो, दिमाग खराब करके रख दिया है। और तू क्या, कैसे इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, कौन है तू, यहाँ बैंक की लाइन में आके खड़ा हो गया है और मेरे ऊपर इल्जाम रख रहा है। हेलो मैडम, झूठ मत बोलो, आपने उनके पैसे निकाले, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, वापस कर दीजिए उनके पैसे। अबे ओए, मैडम को परेशान करना बंद कर, और मैंने भी अपने कानों से सुना कि तू मैडम को छेड़ रहा है। मैं तेरे ऐसे लड़कों को ना अच्छे से जानता हूँ, जब पुलिस के 2 डंडे पड़ते हैं ना, अच्छे से अकल ठिकाने आती है तुम्हारी। अच्छा, पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो तुमने उस गरीब आदमी के पैसे लिए, वो सब क्या है, उसके पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे आप लोग। अबे कौन से पैसे, हमने तो नहीं लिए, तुम्हें तो पता नहीं किसके पैसे ले लिए हमने, फालतू का इल्जाम ना लगाना बंद कर। अरे इस जैसे धोखाड़ी के लोगों से ना भूलने का कोई फायदा नहीं है, अपनी जुबान खराब होगी। और तू क्या, पैसे वैसे है नहीं है, टीचर से यहाँ पे आके खड़ा हो गया, चल पीछे चल। भैया आप टेंशन मत लो, पैसे मैं दिलवाऊंगा। हेलो मैडम, तो मैडम उसके पैसे दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वे क्या दिक्कत है तेरी, दादागिरी दिखा रहे क्या? और अगर नहीं देंगे पैसे तो क्या कर लेगा, अरे जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तुम जैसे लोगों को ना, तो तुझे जानती हूँ मैं, तुम आते हो पुलिस के हाथ, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, बुलाओगे पुलिस यहाँ पहले से आ चुकी है। देखो मैडम मेरा आई कार्ड, मैं यहाँ का न्यू थाना इंचार्ज हूँ। इस बैंक की बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि इस बैंक में एक लड़का एक लड़की लोगों की जेब काटते हैं, कभी कुछ और उनके पैसे ले जाते हैं। तुम ही हो ना वो दोनों, आज नंगे हाथों पकड़े गए हो तुम। नहीं नहीं, हम कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है, मुझे लगता है चोरी ना इसने की होगी, पैसे भी मेरे पास नहीं है, वो तो मेरी साइड ले रहा था इसलिए मैं इससे थोड़ी बहुत बात कर रही थी। शांत हो जाओ, तुमने उनकी पॉलिथिन काटी थी और पैसे निकाल के इसको दिए थे, तुम दोनों मिले हुए हो, बात बनाना बंद करो बिल्कुल भी। गरीब लोगों के पैसे मारते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं वो लोग और जाके बैंक में जमा करते हैं कि उनके फ्यूचर में काम आएंगे, और तुम 2 मिनट में उनके पैसे उड़ा देते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। सर सर मैं क्या कह रही हूँ, कुछ ले दे के मामला खत्म करते हैं ना सर। अच्छा ले दे के, बहुत बढ़िया, एक और क्राइम करने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कभी निकल नहीं पाओगे। उस इंसान की बहन के साथ ही है, वो तुमसे भीख मांग रहा था अपने पैसों की कि उसके पैसे वापस कर दो, लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी, और पता नहीं तुम लोगों ने कितने लोगों की जेब काटी है, कितने लोगों के बैग काटे हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ और खुले में नहीं छोड़ूंगा, चुपचाप थाने चलो। सर, सर, सर थाने मत ले जाइए सर, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसके पैसे ये रहे, हम वापस कर देते सर, ये काम ही छोड़ देंगे हम दोनों। अच्छी बात, कोई चोरी नहीं करेंगे बस। शांत हो जाओ तुम लोग, चुपचाप चलो, ये डंडे मार के लेके जाऊं तुमको, चलो चलो ना मैडम।